सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा जिले के भाजयुमो गोवावल मंडल अध्यक्ष दुबे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर प्रदर्शनी लगाया गया। मौके पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य कई लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजयुमो गढ़वा जिला अध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा कि भाजपा ने देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर देश के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षशील रहा है। नरेंद्र मोदी बचपन से ही प्रतिभावान थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए हर सुख सुविधा छोड़ दिया। वे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एवं प्रचारक बनकर देश के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघ के प्रचारक थे तो उस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए कश्मीर के लाल चौक पर प्रदर्शन किया था। बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर में भारत का संविधान लागू किया। जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन लगाकर देश के लोगों को बचाया एवं फ्री में अन्न का भंडार खोल दिया, इससे देश में अमीर गरीब सब लोगों को राहत मिली। भारत में पहली बार किसी बीमारी का टीका बनाया गया, यह एक सक्षम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर बन चुका है। देश से तीन तलाक जैसे कुरीतियों को समाप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, अविनाश पासवान, भाजपा गोवा मंडल महामंत्री शैलेश तिवारी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कामेश्वर उपाध्याय, महामंत्री राजेश साव, मनोहर खान, चंद्रिका ठाकुर, विष्णु साव सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम जो चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के जीवनी पे, उसको लेकर के आज गोवावल मंडल में हम लोग प्रदर्शनी लगाने का काम किए हैं। यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी का जो जीवनी रहा है, बचपन से लेकर अब तक जितना भी काम किए हैं, उनका जो कार्य पद्धति रहा है, उसका प्रदर्शनी रूप से हम लोग लगाए थे। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं, सब लोग अवलोकन किए और यहाँ आम जनता भी आकर के अवलोकन की, उनके जीवनी को समझी कि वो क्या करते थे बचपन में, वो कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, कैसे भाजपा में आए और देश के लिए उन्होंने किस तरह का काम किया और किस तरह का काम कर रहे हैं, इस पे वो लोग समझे और इस पे आज उन लोगों का मुख्य कार्यक्रम था। जी धन्यवाद।